मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 15 मामलों में अलग अलग सुनवाई की याचिका खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक साथ सुनवाई के आदेश दिए थे। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 15 मामलों में अलग अलग सुनवाई की याचिका खारिज हो गई। मूलभूत बात यह है कि कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 18 मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस समय फाइल्ड है और वहाँ पे पेंडिंग है। सीपीसी में ऑर्डर 4A में व्यवस्था है कि कोर्ट सारे मैटर जो एक ही नेचर के हैं उसको साथ में कंसोलिडेट करके उसका जॉइंट ट्रायल कर सकती है। कोर्ट ने 18 दिसंबर को सारे पक्षों को सुना था और 11 जनवरी को सारे पक्षों को सुनने के बाद माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारे 15 मैटर्स को कंसोलिडेट कर दिया ऑर्डर 4A के तहत। इसका मतलब यह कि सारे 15 मुकदमे साथ चलने थे। ये कोर्ट के लिए भी कन्वीनियंट होता है, पार्टीज के लिए भी कन्वीनियंट होता है, नहीं तो हर केस में अलग अलग डेट पड़ती है। इस आदेश को शाही ईदगाह मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और ये कहा था कि ये ऑर्डर गलत है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, शाही ईदगाह मस्जिद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही रिकॉल एप्लीकेशन फाइल की हुई थी। रिकॉल एप्लीकेशन उनकी वहाँ पेंडिंग है, उसके मीन टाइम उन्होंने यहाँ पे SLP फाइल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिकॉल एप्लीकेशन पे अपनी बहस करिए और जब वो डिसाइड हो जाएगा तो आप अगर उसके कोई भी ऑर्डर से एग्रीव्ड है।